तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपकमिंग फीचर के बारे में, जिस फीचर को अभी फिलहाल कुछ बीटा यूजर के रोल आउट कर दिया गया है, जो कि एक इंटरफेस चेंज है या बोल सकते हैं एक खाली उसका लेआउट को चेंज किया गया, बट काफ़ी अच्छा ये लेआउट है। क्या यह नया चेंज है और कब आपको मिलने वाला है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में, बोल सकते हैं व्हाट्सएप के नए अपकमिंग फीचर के बारे में। तो उस फीचर का नाम है बॉटम नेविगेशन फीचर। बॉटम नेविगेशन फीचर होता है दोस्तों, अगर आपने आईफोन के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ करा हो तो आपने देखा होगा जो स्टेटस वाला ऑप्शन, कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन, सेटिंग वाला ऑप्शन आपको वो नीचे ही मिलता है, कॉल वाला ऑप्शन नीचे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलता है। सेम ऐसे ही ऑप्शन अब आपको व्हाट्सएप बीटा में या बोल सकते हैं व्हाट्सएप एंड्रॉइड में भी मिलने वाला है। तो फिलहाल यह कुछ बीटा यूज़र के लिए रोल आउट हो चुका है, आने वाले टाइम पर सबको रोल आउट होने वाला है। तो मैं आपको उसको बता रहा हूँ कैसा ये दिखने वाला है। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ कि सेम आपको यहाँ पर ऐसा दिखने वाला है। नीचे की तरफ आपको चैट्स मिलेगा, उसके बगल में आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बगल में स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है और बगल में कॉल्स का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आप उस पर एक एक के पे क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं। ऊपर जो ऑप्शन आता था ऊपर से हटा के उसको नीचे दे दिया गया है। ये फिलहाल अभी नॉर्मल यूज़र को नहीं आया और कुछ बीटा यूज़र को भी नहीं आया, बट आने वाले टाइम पर सबको मिल जाएंगे। और इस तरफ मैं आपको iOS पे लगा के दिखा रहा हूँ, जिस पर पहले से ही ये फीचर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सेम वैसा ही एंड्रॉइड पे मिलने वाला है। जैसे ही अपडेट रोल आउट होगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ डेडिकेटेड, पर आज आपको सिंपली ये बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम पर ये फीचर लॉन्च होने वाला है। फिलहाल ये कुछ बीटा यूज़र के लिए रोल आउट हो चुका है, जो कि इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। जब आपको कोई भी चीज़ एक्टिविटी करनी हो तो आप कहीं भी इजीली स्विच ऑन स्विच कर सकते हैं, स्टेटस में, कॉन्टेक्ट में, कम्युनिटी में, तो बहुत ही इजीली आप वहाँ पर स्विच आउट कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था व्हाट्सएप की तरफ से। जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।